नमस्कार साथियों, हम सब जानते हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संरचना है। समाज ने और समुदाय ने विद्यालय की स्थापना इसलिए की है क्योंकि वह समाज और समुदाय के अनुरूप अपने बच्चों को एक बेहतर नागरिक के रूप में निर्मित करना चाहता है। परंतु विद्यालय समाज से भिन्न नहीं है, विद्यालय समाज से परे नहीं है, विद्यालय समाज का अंग है। बिना समुदाय और समाज के हस्तक्षेप, सहायता, सुझाव और भागीदारी के विद्यालय के संचालन की परिकल्पना नहीं की जाती। लेकिन यदि विद्यालय के संचालन के लिए समुदाय खुद को मोबिलाइज कर ले, खुद को संचालित कर ले, खुद एक उसके अंदर ओनरशिप, एक अपनत्व की भावना विकसित हो जाए विद्यालय के प्रति, तो हम कहते हैं कि समुदाय में विद्यालय के प्रति या किसी भी संस्था के प्रति एक संचालन का भाव या एक मोबिलाइजेशन हो रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सामुदायिक संचालन से हमारा तात्पर्य क्या है, सामुदायिक संचालन होता क्या है। जब समुदाय के सदस्य किसी संस्था को या किसी व्यवस्था को अपना समझने लगें, उसके साथ एक अपनत्व का भाव जोड़ लें, तो वह सामुदायिक संचालन होता है। मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने पढ़ा भी होगा कि एक व्यक्ति कुछ गांवों से गुजर रहा था, तो एक गांव में गया। उसने गांव के व्यक्ति से, किसी से पूछा कि यहाँ विद्यालय कहाँ है, स्कूल कहाँ है। कहा, स्कूल? अच्छा, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो आगे होगा, थोड़ा आगे जाकर है, आगे जाकर किसी से पूछ लीजिएगा। गांव के बाहर एक बिल्डिंग है पुरानी सी, वहाँ पर एक बाउंड्री है, वहाँ कुछ बच्चे खेलते मिलेंगे, एक टीचर जी बैठे मिलेंगे, वो स्कूल है। दूसरे गाँव में गया, उसने उस गांव में भी किसी से व्यक्ति से प्रश्न पूछा, विद्यालय कहाँ? उसने कहा, अच्छा, विद्यालय जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाँ, वहाँ तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हमको पता है कहाँ है, आप हमारे साथ चलिए। उनको लेकर कहते, ये है हमारा विद्यालय, ये है हमारे गांव का विद्यालय। देखिए, दोनों जगह विद्यालय है, दोनों जगह समुदाय के सदस्य उस व्यक्ति को विद्यालय का पता बता रहे हैं, विद्यालय तक ले जा रहे हैं, लेकिन भाव में भिन्नता है। एक भाव में अलगाव है, वहीं दूसरे उदाहरण के भाव में अपनत्व है। यह अपनत्व तो ही सामुदायिक संचालन है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे किसी गांव में, किसी धार्मिक स्थान पर, चाहे वह गांव का चबूतरा हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई गिरजाघर हो, कोई गुरुद्वारा हो, वहां कोई कार्यक्रम आयोजित होना है, तो उस कार्यक्रम के आयोजित होने पर समुदाय के लोग क्या करते हैं? वे व्यवस्थाओं को आपस में बांट लेते हैं, वे उसके संचालन और प्रबंधन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और उस आयोजन को अपना आयोजन मान करके उसमें पूर्ण मनोयोग से योगदान करते हैं। तो जब समुदाय के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी व्यवस्था को अपनाने, उसके संचालन या प्रबंधन में स्वयं बढ़ चढ़कर भाग लेने लगें, तो वह सामुदायिक संचालन है। क्या विद्यालय की हम ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकते? यदि कोई गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, किसी आयोजन में समुदाय के सदस्य बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं, तो क्या विद्यालय ऐसा नहीं हो सकता जिसके प्रबंधन में, जहां कार्यक्रमों के आयोजन में, जहां व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में, जहां बच्चों को रोज भेजने में, जहां की स्वच्छता में, समुदाय एक अपनत्व के भाव के साथ बढ़ चढ़ कर स्वयं भाग लेने लगे? यदि ऐसा होगा, तब हम कहेंगे कि वहां सामुदायिक संचालन हो रहा है। अर्थात सामुदायिक संचालन एक क्षमता निर्माण की ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के सदस्य अपनी भागीदारी के द्वारा और निरंतरता के द्वारा स्वयं के प्रयासों से या प्रोत्साहित प्रयासों से किसी भी प्रक्रिया या संस्था के नियोजन, विकास, संचालन और मूल्यांकन में सतत निरंतर संलग्न रहें, तब हम कहते हैं कि वहां पर सामुदायिक संचालन हो रहा है। सामुदायिक संचालन की आवश्यकता क्यों होती है? हम आज क्यों बात कर रहे हैं कि विद्यालय में, शिक्षा में सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है? किसी भी प्रक्रिया या व्यवस्था की सफलता के लिए सामुदायिक संचालन उस व्यवस्था में हस्तक्षेपों की आवश्यकता की मांग करता है। सामुदायिक संचालन हस्तक्षेपों की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, अतिरिक्त संसाधनों के रूप में योगदान करता है। जैसे यदि हम विद्यालय के उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं,
विद्यालय में क्या चल रहा है, विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, विद्यालय में बच्चे रोज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो यदि सामुदायिक संचालन वहाँ होगा विद्यालय के प्रति, तो वे उन आवश्यकताओं की मांग करेगा जहाँ जहाँ सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को रोज विद्यालय भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने में सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है। विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हों, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हों, उन अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है। गांव का, क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक विद्यालय में पहुंचे, अर्थात अंतिम व्यक्ति या लाभार्थी तक पहुंच बनाने के लिए सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है। यदि विद्यालय में लिंग भेद है, जागरूकता की कमी है, कोई और भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए सामुदायिक संचालन की आवश्यकता है। तो सामुदायिक संचालन जहाँ होता है वहाँ समुदाय में एक जिम्मेदारी का भाव आता है किसी संस्था के प्रति या किसी प्रक्रिया के प्रति, और साथ ही उसमें सततता आती है, कंटिन्यूटी आती है, निरंतरता आती है। इसलिए मैं कहता हूँ और हम आज बात भी कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए भी सामुदायिक संचालन बहुत आवश्यक है। सामुदायिक संचालन के कार्य क्या होते हैं, यदि हम इसको मोटा मोटा कुछ बिंदुओं के बीच रखने की कोशिश करें, तो सामुदायिक संचालन का पहला कार्य है अपने समुदाय और इसके मुद्दों को समझना, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, सामुदायिक सदस्यों के साथ भागीदारी विकसित करना, सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को सक्षम बनाना, सामुदायिक सहयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना, साथ ही समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना, समुदाय में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समुदाय के बाहर जो संसाधन उपलब्ध हैं उन तक पहुंच बनाने में मदद करना, समुदाय के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त समय देना और सभी भागीदारों को सम्मिलित करना। यदि मैं आपकी भूमिका इसमें देखूं एक शिक्षक के तौर पर, तो इन सारे प्रकारों में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए हम प्रयास करते हैं कि एक एक बिंदु में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सामुदायिक संचालन को एक सक्रिय रूप से अपने विद्यालय और शिक्षा के लिए उपयोग में ला सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं समुदाय और इसके मुद्दों को समझना, जैसे आप एक अध्यापक हैं, आपकी नियुक्ति किसी विद्यालय में होती है और आप जाकर देखते हैं कि उस विद्यालय में बच्चे रोज नहीं आते, बच्चे निरंतर नहीं आते, बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम अपने पिताजी के साथ कहीं काम करने जाते हैं, उनके माता पिता को आप बात करने के लिए बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, तो आपकी शिकायत रहती है कि हम माता पिता को बात करने के लिए बुलाते हैं तो वे आते नहीं हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने समुदाय को समझा, क्या आपने समुदाय के मुद्दों को समझा, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया इन बच्चों के माता पिता का रोजगार क्या है, उनकी क्या व्यस्तताएं हैं। हो सकता है आपने माता पिता को मंगलवार को दोपहर में 12 बजे बुलाया हो, लेकिन उनके माता पिता मंगलवार को, सोमवार को, बुधवार को रोज मजदूरी करने जाते हो, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। अर्थात आपको उस समुदाय के जहाँ के बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं उनके रोजगारों को समझना पड़ेगा, वो कहाँ व्यस्त रहते हैं, किस प्रकार की उनकी व्यस्तता है उसको समझना पड़ेगा। जब तक आप समुदाय को नहीं समझेंगे, समुदाय के सदस्यों को, या समुदाय की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, कई बार अध्यापक जो है कुछ नियमों में बांधने के कारण कोई ऐसा नियम विद्यालय में लागू करने का प्रयास करते हैं जो हो सकता है वहाँ की धार्मिक संस्कृति है वहाँ के रीति रिवाजों से भिन्न हो, और इस कारण से समाज और विद्यालय में वो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। समाज कहता है नहीं, हमारा बच्चा तो ये चीज़ पहनकर नहीं आएगा या ये पहनकर आएगा क्योंकि हमारी परंपरा में है, हमारे रीति रिवाजों में है, हमारी संस्कृति में है। अध्यापक कहता है नहीं, विद्यालय में ये कुछ नहीं चलेगा, विद्यालय में सब बच्चे एक जैसे रहेंगे, फिर विद्यालय और समाज के बीच एक टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो एक जब हम सामुदायिक संचालन की बात कर रहे हैं, सामुदायिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी भूमिका है कि जिस समुदाय में आपका विद्यालय है वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ की परंपराएँ क्या हैं, वहाँ किस प्रकार के आयोजन होते हैं, समुदाय का शैक्षिक सामाजिक विन्यास कैसा है,
शिक्षा के प्रति समुदाय के लोगों में कितना उत्साह है या निरुत्साह है? क्या समुदाय के लोग शिक्षा का महत्व समझते भी हैं? समझते हैं तो कितना समझते हैं? कौन लोग हैं जो शिक्षा का महत्व समझते हैं? कौन लोग हैं जो शिक्षा का महत्व और लोगों को समझा सकते हैं? इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको समुदाय के सदस्यों के साथ निरंतर बातचीत करनी होगी, उनके साथ निरंतर वार्तालाप करना होगा। और यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है जिस पर आपको लगता है कि आपको चर्चा की आवश्यकता है, तो आप छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, अपने साथी शिक्षकों के साथ, विद्यालय प्रबंधन समिति में जो सदस्य हैं वे भी समुदाय से आते हैं, सभी के साथ आप चर्चा करिए। क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस समुदाय और इस समुदाय के मुद्दों, इसकी व्यस्तताओं, इसके आयोजनों, इसके रीति रिवाजों, इसके रोजगारों, सब चीज़ों को समझ लूँ। यदि आप अपने समुदाय को समझ लेंगे, यदि आप अपने को अपने समुदाय के करीब ले जाएंगे, तो आपका समुदाय आपके करीब आने को तैयार होगा, आपके अर्थात एक शिक्षक के और विद्यालय के। तो ये पहला काम है जहाँ आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, आपको उन संसाधनों की पहचान करनी है जो समुदाय में उपलब्ध हैं, क्योंकि आपको समुदाय को संचालित करना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको विद्यालय के करीब लाना है। कैसे लाएंगे? क्या तरीके हो सकते हैं? क्या हम ऐसे अभिभावकों की पहचान कर सकते हैं क्या, जिनका उपयोग हम संसाधन के रूप में कर सकें? जैसे कोई अभिभावक हो सकता है चिकित्सक हो, क्या हम उसको दैनिक स्वच्छता पर चर्चा करने के लिए बच्चों से उसको बुला सकते हैं विद्यालय में क्या? या समुदाय में कई प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं, कोई धार्मिक संस्थाएं हो सकती हैं, कोई मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, कोई सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं, कोई आंगनवाड़ी की संस्था हो सकती है, कोई और युवक मंगल दल जैसी संस्थाएं कई राज्यों में चलती थी, उस तरह की संस्थाएं हो सकती हैं। तो समुदाय में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके साथ आप सहयोग कर सकते हैं, उनके अवसर आप ढूंढिए। सामुदायिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कराना, जैसे कोई सामुदायिक आयोजन है, कोई मेला है, कोई जयंती है, कोई पूजा है, वहाँ विद्यार्थियों की भागीदारी कैसे हो सकती है? उन विद्यार्थियों की भागीदारी एक तो उस समुदाय के अंग के रूप में तो है ही, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ तो वहाँ जाते ही हैं, लेकिन एक विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सामूहिक रूप पर विद्यालय का योगदान उन सामुदायिक गतिविधियों में कैसे हो सकता है? या समुदाय में कोई संसाधन है तो बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने कोई रोजगार है किसी का, मान लीजिए जूस निकालने का रोजगार है किसी का, और जूस निकालने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कैसे भौतिक विज्ञान काम करता है, कैसे उसमें कृषि का योगदान है। अब मान लीजिए वो आपको वो जो जूस निकालने की मशीन या जूस निकालने की जो व्यवस्था किसी ने लगा रखी है गाँव में, वो आपको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करनी है किसी शिक्षण विषय में, तो या तो उसको विद्यालय तक ले आइए या बच्चों को वहाँ तक लेकर चले जाइए। तो विद्यार्थियों की पहुँच कैसे बनाएंगे? अर्थात सामुदायिक जो संसाधन हैं, समुदाय में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका अधिगम प्रक्रिया में समावेशन कैसे सुनिश्चित होगा? जब हम समुदाय में उपलब्ध संसाधनों में पहचान की बात कर रहे हैं तो आपकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा है सामुदायिक सदस्यों के साथ भागीदारी, उनके साथ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार से कर सकते हैं? आप सामुदायिक भागीदारी के कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय परिसर में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुदाय का कोई स्थानीय त्यौहार है तो उस पर कोई नृत्य होता है, कोई लोक नृत्य होता है, उस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आप विद्यालय में कर सकते हैं। या कोई आयोजन विद्यालय के बाहर हो रहा है तो विद्यालय की वहाँ भागीदारी कर सकते हैं। विद्यालय की योजना बनाने में, विद्यालय के विकास में, विद्यालय के सुधार में, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन समिति के सक्रिय क्रियान्वयन के रूप में हो, विद्यालय विकास योजना के निर्माण के रूप में हो, आप समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप समुदाय की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कुछ परियोजनाएं निर्माण कर सकते हैं, और उन परियोजनाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है तो समुदाय के सदस्यों के साथ विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। हमें विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाना है कि वे सामुदायिक आवश्यकताओं को पहचान सकें, लेकिन वो पहचानेंगे कब? सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें विद्यार्थियों को अवसर देने होंगे, विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर ले जाना होगा, उनसे चर्चा करनी होगी। सामुदायिक आवश्यकताएं क्या हैं,
किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है जिससे वे स्वयं समाधान खोज सकें, उन समाधानों को खोजना, और यदि समुदाय के सदस्यों द्वारा समाधान खोजे जाने हैं तो समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने का काम विद्यार्थी करें। अर्थात विद्यार्थी, अध्यापक और समुदाय के सदस्य, इनके बीच परस्पर वार्तालाप हो, इसके अवसर उपलब्ध कराने का काम आपको करना है जब हम सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने की बात करते हैं। सामुदायिक सहयोग के लिए परिवेश का निर्माण। सामुदायिक सहयोग ऐसे होता नहीं आप केवल कुछ लोगों को बुला लें, उनसे कुछ बात कर लें, आप उनके पास चले जाएं, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको एक पूरा वातावरण तैयार करना पड़ता है, विद्यालय में एक सकारात्मक परिवेश निर्मित करना पड़ता है। समुदाय के सदस्य और विद्यार्थियों के बीच यदि कुछ अलगाव है, कई बार होता है कि समुदाय के सदस्य बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, तो बड़ों को लग सकता है हम बच्चों से क्या बात करेंगे, बच्चों को लग सकता है हम बड़ों से इस विषय में क्या पूछेंगे, बड़े हमें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हो सकता है कि वहाँ का सामाजिक आर्थिक परिवेश ऐसा हो, सामाजिक या शैक्षिक परिवेश ऐसा हो कि समुदाय के सदस्य बच्चों से बहुत बातें नहीं करते हों, बच्चे समुदाय के सदस्यों से बहुत बातें नहीं करने हों, तो उनके प्रति एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण करना होगा और विद्यालय के प्रति लगाव और अपनेपन का भाव विकसित करना होगा। विद्यालय और समुदाय में निरंतर वार्तालाप, सहयोग और सामंजस्य का जब परिवेश का निर्माण होगा, तब हम कहेंगे कि विद्यालय में सामुदायिक सहयोग के लिए एक अच्छे परिवेश का निर्माण हो रहा है। इसके लिए आप समुदाय के लोगों को विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं, समुदाय के सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ ले सकते हैं, विद्यालय के विकास में समुदाय से सहयोग ले सकते हैं, सामुदायिक संस्थाओं के साथ विभिन्न प्रकार की साझेदारी विकसित कर सकते हैं, और समुदाय की कुछ तात्कालिक आवश्यकताएं होती हैं, जो कोई आयोजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन्हें बच्चों की आवश्यकता है, या कुछ दीर्घकालिक अपेक्षाएं हो सकती हैं, उन तात्कालिक आवश्यकताओं या दीर्घकालिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर के आप एक कार्य योजना बना सकते हैं। तो आपको समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना होगा यदि सामुदायिक संचालन को एक वास्तविकता बनाना है। तो आपको रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि विद्यालय का काम केवल विषयगत ज्ञान प्रदान करना नहीं है। जब हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनमें जो सृजनात्मकता और रचनात्मकता है उनके विकास की बात भी करते हैं। तो बच्चों को विद्यालय के बाहर जो रचनात्मक क्रियाकलाप हो रहे हैं उन रचनात्मक क्रियाकलापों में संलग्न कराने की आवश्यकता है। जैसे कोई धार्मिक आयोजन है, कोई सांस्कृतिक आयोजन है, कहीं नृत्य का आयोजन है, कहीं रंगोली का आयोजन है, कहीं मूर्ति बनाने का आयोजन है, विभिन्न प्रकार के आयोजन विभिन्न प्रकार के समाजों में होते हैं, तो इससे बच्चों की रचनात्मक क्रियाकलापों में संलग्नता बढ़ती है। और इसके लिए आप दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। आप कुछ सामुदायिक संस्थाएं, जैसे मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर में या आपके आसपास कोई नाटक की संस्था है, जो संस्था विभिन्न मुद्दों पर छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएँ या नुक्कड़ नाटिकाएँ आयोजित करती है, चाहे वे सामाजिक जागरूकता के मुद्दे हों, स्वच्छता के मुद्दे पर हो सकती है, बालिकाओं की शिक्षा के मुद्दे पर हो सकती है, तो क्या हम इन संस्थाओं के साथ कोई सतत भागीदारी का नियम बना सकते हैं क्या कि ठीक है भाई, आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके लिए जब आप नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करेंगे तो हमारे बच्चे उन नुक्कड़ नाटकों में सहयोग करेंगे, ऐसा कर सकते हैं हमको ढूंढना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के सामुदायिक आयोजनों में विद्यार्थियों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मिलें, यह हमें सुनिश्चित करना होगा एक शिक्षक के तौर पर। कुछ ऐसे संसाधन हो सकते हैं जो समुदाय में उपलब्ध ना हो लेकिन समुदाय से बाहर हो, जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो, हमको पता हो लेकिन समुदाय वहां पहुंच सकता हो, तो हमें ऐसे संसाधनों की पहचान करके समुदाय की वहां तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। समुदाय के बाहर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? हो सकता है कि समुदाय में कुछ ऐसे सक्षम सदस्य हों, आर्थिक तौर पर सक्षम हो, सामाजिक तौर पर सक्षम हो, जो उन संसाधनों को बच्चों के लिए उपलब्ध करा सके। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक विद्यालय सरकारी विद्यालय है, वहाँ के शिक्षक को लगा कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम बनाना चाहिए। राज्य सरकार ने उसके लिए अभी सहायता शायद नहीं दी होगी उस विद्यालय को। उसने निश्चित कर लिया कि मुझे विद्यालय में क्या क्या चाहिए, एक कमरा चाहिए,
कमरा है, कमरे में पर्दे चाहिए, कमरे में एक टेलीविज़न चाहिए, कमरे में एक ओवरहेड प्रोजेक्टर चाहिए, एक इंटरनेट का, उसने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें निर्धारित कर ली, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। फिर उसने अपने गांव के लोगों से बात की, ग्राम प्रधान से बात की, गांव के और सक्षम सदस्यों से बात की कि मैं बच्चों के लिए एक इस तरह की कक्षा बनाना चाहता हूँ जिससे कि देश में दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ICT के माध्यम से मेरे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जाने। उत्तर प्रदेश की घटना है, मैं वास्तविक घटना बताता हूँ। तो समुदाय के लोगों ने उनको एक एक चीज़ के लिए मदद कर दी, किसी ने टेलीविज़न की मदद कर दी, किसी ने एक ओवरहेड प्रोजेक्टर की मदद कर दी, किसी ने एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद कर दी, किसी ने कमरे के लिए पर्दे और जो इंटीरियर चाहिए, जो परिवर्तन चाहिए उसकी मदद कर दी। उनको पता लगा जो है वहाँ के जिलाधिकारी को कि अरे एक विद्यालय में ऐसा हो रहा है, तो जिलाधिकारी ने फर्नीचर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दी किसी योजना में, और हो गई योजना। वो संसाधन समुदाय में उपलब्ध नहीं थे, तात्कालिक समुदाय में, उस गाँव में उपलब्ध नहीं थे, गाँव के बाहर उपलब्ध थे, लेकिन उनकी पहचान की उस शिक्षक ने। पहचान करने के बाद सदस्यों से, जो सक्षम सदस्य थे उनसे मदद मांगी, और वो सारी चीज़ें विद्यालय में उपलब्ध हो गई। तो विद्यालय में अच्छा शैक्षणिक परिवेश हो, अध्यानोतन तकनीकी वहाँ उपलब्ध हो, इसके लिए समुदाय से सहायता प्राप्त कराना, समुदाय को संचालित करने की ज़रूरत है। समुदाय में लोग हैं जो चाहते हैं कि विद्यालय अच्छा हो, विद्यालय में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, लेकिन उस तक उनको प्रोत्साहित करने का काम, वो जानकारी देने का काम आपको करना है। तभी जब तक आप समुदाय की जब पहुंच वहां सुनिश्चित करेंगे तो समुदाय निश्चित आपकी मदद करेगा। तो चाहे वो एक अच्छे शैक्षणिक परिवेश की व्यवस्था करनी हो, नई तकनीकी की व्यवस्था करनी हो, उसके लिए समुदाय के लोगों को आपको वहां तक जानकारी पहुंचानी होगी, उन संसाधनों की जानकारी समुदाय के लोगों को देनी होगी। लेकिन इन सबके लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि आपको समुदाय को पर्याप्त समय देना होगा। यदि आप एक सामुदायिक संचालनकर्ता हैं, एक शिक्षक हैं जो सामुदायिक संचालनकर्ता की तरह अपनी भूमिका निभाना चाहता है, तो समुदाय के साथ अगर एक टिकाऊ भागीदारी आपको विकसित करनी है तो उसके लिए आपको समुदाय के साथ समय व्यतीत करना होगा। आजकल विद्यालयों में शिक्षकों के पास समय का अभाव है और ये वास्तविकता है। शिक्षकों के पास इतने काम हैं, कई बार शिक्षक जितने चाहिए उतने पर्याप्त शिक्षक भी नहीं होते हैं कुछ विद्यालयों में। यदि शिक्षक पर्याप्त हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको समय निकालना होगा। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ समुदाय और विद्यालय में एक दूरी है, तो उस दूरी को समाप्त करने के लिए आपको विद्यालय के प्रति एक लगाव का भाव विकसित करना होगा। उसके लिए आपको समुदाय को विद्यालय के करीब लाना होगा, समुदाय में विद्यालय की विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी। कई बार समुदाय में हुआ भी यही है कई जगहों पर कि विद्यालय के प्रति समुदाय में विश्वसनीयता नहीं, उनका लगता नहीं बच्चे वहाँ जाते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, बस वो जाते हैं भोजन करते हैं चले आते हैं। कई बार इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब कि कुछ जगहों पर अभी भी समुदाय में विद्यालय के प्रति विश्वसनीयता नहीं है। ये आपको ये भूमिका निभानी है। जब आप समुदाय को विद्यालय के विभिन्न आयामों में भागीदारी के लिए लाएंगे, उसको भागीदारी के पर्याप्त अवसर देंगे, तब समुदाय जो है वो विद्यालय के करीब आएगा। और जब समुदाय विद्यालय के करीब आएगा तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि समुदाय विद्यालय के करीब आए, विद्यालय की विभिन्न योजनाओं में भाग ले, विद्यालय के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले और विद्यालय के प्रत्येक कार्य में अपना योगदान दे। इसके लिए आपको सभी भागीदारों को सम्मिलित करना होगा। जब हम सभी भागीदारों को सम्मिलित करने की बात करते हैं तो उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें अभिभावक भी आते हैं, उसमें समुदाय के सदस्य भी आते हैं, उसमें शिक्षक भी आते हैं। अर्थात समुदाय के सदस्य, बच्चों के माता पिता और अभिभावक, बच्चे, शिक्षक, प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, समुदाय के सक्षम लोग, सबको मिलकर के विद्यालय के लिए योजनाओं के नियोजन में, उनके क्रियान्वयन में, और उन विद्यालय में ये योजनाएं ठीक प्रकार क्रियान्वित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं इसके मूल्यांकन में, सब में सभी भागीदारों को सम्मिलित करना होगा। सभी का संसाधनों के रूप में उपयोग करना होगा, समुदाय के प्रति विद्यालय में और विद्यालय के प्रति समुदाय में एक लगाव और अपनेपन का भाव विकसित करना होगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब शायद एक शिक्षक के रूप में हम अपने समुदाय को संचालित कर पाएंगे, अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज कर पाएंगे। अर्थात
जब हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सामुदायिक संचालन अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यदि विद्यालय की दृष्टि से बात करें तो विद्यालय का अध्यापक होने के नाते, प्रधानाध्यापक होने के नाते, विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य होने के नाते, हम जिस भी भूमिका में विद्यालय से जुड़े हैं, हमें अपने आप को समुदाय के करीब ले जाना होगा। हमें समुदाय में ये भाव विकसित करना होगा कि ठीक है, ये विद्यालय हमारा है, ये विद्यालय हमारे बच्चों के लिए है, ये विद्यालय हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान करता है, विद्यालय में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए हमारा भी उत्तरदायित्व है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जिस दिन ये अपनत्व का भाव, ये जिम्मेदारी का भाव, या मैं कहूँ ये ओनरशिप समुदाय के सदस्यों में हम विकसित कर देंगे, उस दिन समुदाय विद्यालय के लिए संचालित हो जाएगा, अर्थात हमारी कम्युनिटी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, विद्यालय के विकास के लिए मोबिलाइज हो जाएगी, और तब हम एक सफल संचालनकर्ता के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आपने इस चर्चा को सुना, आशा है कि विद्यालय को समुदाय के करीब लाने में और समुदाय को विद्यालय के करीब लाने में ये परिचर्चा आपकी मदद करेगी, और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे सामुदायिक संचालनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।